चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 7 छिनका के पास पहाड़ी से मलबा और बोल्डर आने से अवरुद्ध हो गया। बता दें कि जुरान हाईवे के दोनों और बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्रियों के वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस दौरान तीर्थयात्री अपने वाहनों के अंदर सड़क खुलने का इंतजार करते रहे और फिर करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वाहनों की आवाजाही शुरू हो पाई। बता दें कि जिले में लगातार हो रही बारिश से अब पहाड़ियां भी दरकने लगी है। बरसाती सीजन में चारधाम यात्रा पर प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि रास्ता बंद होने पर एनएच कर्मियों द्वारा मशीनों के जरिए तत्काल हाईवे को खोल दिया जा रहा है, लेकिन मलबा आने से तीर्थयात्रियों को हाईवे खुलने तक अपने वाहनों के अंदर बैठकर इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल गौचर से लेकर बद्रीनाथ तक राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगहों पर जानलेवा बना हुआ है। कर्णप्रयाग के पास उमटा और बाबा आश्रम के बीच भी ऑल वेदर रोड कटिंग के दौरान अधूरी पड़ी हुई है। चट्टाने भी यात्रियों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। ऐसे ही नंदप्रयाग के पास परथा डीप में भी भूस्खलन से मार्ग बंद होने के चलते खतरा बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजकुमारी।